गजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में मानो लोगों का सैलाब आ गया है। क्या शुरू होने वाला है एक ऐसी महामारी जिसे देख दुनिया कांप उठे? कुत्ते या फिर जानवर से नहीं बल्कि गलियां, मोहल्ले, अंडरपास सब भर चुके हैं शरणार्थियों से। मगर ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग खान यूनिस जा पहुंच रहे हैं? खान यूनिस में आखिर क्या है? क्या है खान यूनिस का रहस्य? क्या खान यूनिस में शरणार्थियों का जान सुरक्षित है या फिर खान यूनिस है एक ट्रैप जिसमें शरणार्थियों की तबाही पक्की है? लाखों लोग गजा पट्टी के उत्तर से जान बचाकर यहां पहुंच रहे हैं। लोग जो कुछ सामान उठा पाए उसके साथ लंबी पैदल यात्रा कर यहां पहुंचे हैं। इन सब के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन खान यूनिस कस्बे के पास गजा शहर से आ रहे अपनी खुद की आबादी से दोगुने लोगों के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं है। शहर की हर गली, हर मोहल्ला और हर सड़क पुरुषों, औरतों और बच्चे से घिरे पड़े हैं, और लोगों के पास यहां से कहीं और जाने की कोई दूसरी जगह नहीं है। हमास का कहना है कि उत्तरी गजा में रहने वाले 11 लाख लोगों में से 4 लाख सलाह अल दीन सड़क के रास्ते दक्षिण की ओर रवाना हुए हैं। इसराइल ने आम लोगों को 24 घंटे के भीतर गजा शहर को खाली करने की चेतावनी दी थी। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1400 इसराइली मारे गए थे। उसके बाद इसराइल ने लोगों से गजा शहर खाली करने को कहा था। हमास ने लोगों से कहा था कि वो हरगिज शहर न छोड़े, लेकिन इसराइली बमों और हमले का डर ऐसा था कि लाखों लोगों ने गजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से का रुख किया। लेकिन जमीन की पतली पट्टी जिसे चारों तरफ से इसराइल ने घेर रखा है से निकलना सुरक्षा की गारंटी तो कतई नहीं है। किसी को नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। लाखों गजा निवासी खान यूनिस में पहुंच रहे हैं। खान यूनिस की आबादी करीब 4 लाख है, लेकिन रातों रात यहां 6 लाख लोग और पहुंच गए हैं। इन 6 लाख लोगों में हर एक को सिर ढकने के लिए घर और पेट भरने को खाना चाहिए। खान यूनिस में संसाधन बहुत ही सीमित है और जो है वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। शहर की आबादी करीब 4 लाख थी, जो गजा से आने वाले लोगों को जोड़कर रातों रात 10 लाख से भी अधिक हो गई है। ये शहर पहले ही गजा से आने वालों के बोझ से दबा हुआ था, लेकिन अब तो लोगों का सैलाब आ गया है। कुछ भी व्यवस्थित कर पाना नामुमकिन है। यहाँ का प्रमुख अस्पताल दवाओं की कमी से जूझ रहा है। अब अस्पताल भी लोगों का इलाज करने के बजाय एक रिफ्यूजी कैंप बन गया है। डॉक्टर अस्पताल में इलाज की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर शरणार्थियों से अटा पड़ा है। फिजा में लोगों की चीख पुकार गूंज रही है। आप लोगों को यहाँ आने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। संघर्ष के समय अस्पताल शायद सबसे सुरक्षित स्थान है, क्योंकि उसकी सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सुनिश्चित है। ये कह सकते हैं कि अस्पतालों के कॉरिडोर में शरण लिए लोग खुशकिस्मत हैं। कम से कम फिलहाल तो ये सही ही है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। प्रति व्यक्ति सिर्फ 300 मिलीलीटर पानी दिया जा रहा है, और सेहतमंद लोगों को देने के लिए तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। शहर के बाकी हिस्सों में स्थानीय लोग शरणार्थियों को हर संभव मदद का प्रयास कर रहे हैं। खान यूनिस में पहले ही लोग काफी तंग गलियों में जी रहे थे, अब तो हाल पहले से कहीं बदतर हो गए हैं। शहर के स्कूलों को भी इस संघर्ष में सुरक्षित माना गया है। वहां भी हजारों लोग पहुंचे हैं, लेकिन सुरक्षा का वादा भी वादा ही है। स्कूल में मौजूद लोगों को तो गिनना भी मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में हर कमरे ठूस ठूस कर लोगों से भरा हुआ है। हर बालकनी, हर खिड़की, हर कोने पर लोग ही लोग हैं। माताएं और दादियां बाहर पार्क के बेंचों पर खान बना रही हैं। भूखे बच्चे बेसब्री से पेट भरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब अस्पताल और स्कूल भी भर गए तो लोग सड़कों पर ही बस गए। गलियां, मोहल्ले, अंडरपास सब भर चुके हैं। हजारों लोग खुले आसमान के नीचे गंदगी और धूल में सो रहे हैं। सबको इंतजार है कि दुनिया उनके लिए कुछ बेहतर इंतजाम करेगी। ये प्रतीक्षा फिलहाल निरर्थक साबित हो रही है। और ये भी नहीं है कि खान यूनिस हमले से सुरक्षित है। यहाँ भी बमबारी होती रही है। ये भी युद्ध क्षेत्र है। गिरी हुई इमारतें और मलबे का ढेर इसका सबूत है। एक व्यक्ति ने बोला कि अस्पताल के पास से हमास द्वारा रॉकेट छोड़े जाने की आवाजें सुनी हैं। ये बदले की कार्रवाई को खुला न्योता है। अपने अगले निशाने की तलाश में इसराइल ड्रोन्स की आवाज भी आम सी है। और तभी एक बम गिरता है। एक इमारत जमींदोज हो जाती है। अस्पताल और मुर्दाघर फिर भरने लगते हैं। आज सुबह हमारे फ्लैट के पास एक बम गिरा। फोन और संपर्क करने के सारे माध्यम बंद हैं, इसलिए बम गिरने का 20 मिनट बाद ही मैं अपने बेटे से संपर्क कर पाया। तो इससे साफ पता चलता है कि कोई भी जगह फिलहाल इन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, वो फिर खान यूनिस ही क्यों ना हो। दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।